Students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. Students, आशा करती हूँ कि आप सभी घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आपका जो वर्क है वो आप रेगुलरली कर रहे होंगे. क्लास 12th हिस्ट्री की बात करें तो क्लास 12th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे थे चैप्टर 2nd, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि जो पहले के जो राजा हुए, जो फार्मर्स थे, किसान थे और उनके किस प्रकार के रिलेशन थे, किस प्रकार से टाउन्स जो थे वो विकसित होते गए और उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में. और जब उसका पतन हो गया, जब उसका कह सकते हैं कि डिक्लाइन हो गया, तो उसके बाद मैंने सिग्निफिकेंट चेंजेस टेक प्लेस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने लगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस जो थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. और यही एक चेंजेस थे जिनके रिजल्ट के कारण ही जो नए नए टाउन्स थे, जो नए नए स्टेट्स थे वो बनने स्टार्ट हुए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द वेदास. सभी को पता है कि जैसे हमारे वेद्स कितने हैं, 4 वेद हैं. फर्स्ट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. इनमें जो सबसे प्राचीन, अगर हम वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है. उसके बाद जब इन चारों वेदों की रचनाएँ की गई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो उन सभी, इन तीनों ही वेदों की रचनाएं जो हुई हैं वो ऋग्वेद के बाद हुई हैं. एंड अदर रिलीजन्स एंड लिटरेरी वर्क्स आर इन इनवैल्यूएबल सोर्सेज टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड. ये चारों ही वेद हैं, साथ में और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं मूल्यवान हमारे पास, ऐसे इनके जो धार्मिक कह सकते हैं और उनके लिटरेरी से रिलेटेड जो वर्क्स था वो आज हमारे पास कह सकते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, इस टाइम पीरियड को. और इस टाइम पीरियड की बात हम कौन से टाइम पीरियड की कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 6th सेंचुरीज के आसपास, 6th शताब्दी के आसपास की. अगर हमें हिस्ट्री जाननी है तो हमें किन किस स्टडी के लिए, हमारे पास क्या है उसके सोर्सेस, हमारे जो वेद हैं वो हमारे पास इसके सोर्स हैं. तो इस प्रकार से 6th शताब्दी ईस्वी के आसपास जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा, चारों वेदों की रचनाएं जो थी वो हमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर नए नए जो महाजनपद थे, जिनकी हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में 16 महाजनपदों की, वो सारे के सारे महाजनपद पावरफुल बनते जा रहे थे. साथ में किस प्रकार से उनका उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय, और साथ में इंडिया में जो हिंदू धर्म का प्रचलन था वो भी स्टार्ट हो गया था. तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने स्टडी की 16 महाजनपदों की, जिसमें सबसे पावरफुल महाजनपद मैंने आपको बताया था कौन सा था, वो था महाजन, जो मगध था महाजनपद. इसके बाद इन 1st century BC मैनी चेंजेस टुक प्लेस रिगार्डिंग लास्ट रेट्स ऑफ द डेड इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. 1st century के आसपास की अगर हम बात करें तो इस सेंचुरी के दौरान बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिले, चाहे वो हमारा सेंट्रल इंडिया था या फिर साउथ इंडिया था, यानी कि हमारे मध्य भारत और जो साउथ दक्षिणी भारत था उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने मिले. इन दिस पीरियड डेड बॉडीज वर बरीड इन ग्रेव्स एंड दीज ग्रेव्स वर सराउंडेड बाई बिग स्टोन्स एंड कॉल्ड एज द मैग्रेथिस. इसमें क्या हुआ कि जो डेड बॉडीज वगैरह थी उनको क्या हुआ, उनको दफनाया जाता था, उनको एक इस प्रकार से जो उनके शवाधान किए जाते थे उसके भी अलग अलग तरीके इस टाइम पीरियड के दौरान प्रचलित थे, और उसको चारों तरफ से बिग बड़े बड़े स्टोन्स से सराउंडेड कर दिया जाता था. इन बड़े बड़े स्टोन से उनको सराउंडेड करने के बाद क्या होता था मेनली, और ये बात करें हम सेंट्रल और साउथ इंडिया की, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में आज अवेलेबल हैं, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, जो कि हमें उस टाइम पीरियड के दौरान जो शवाधान की जो प्रक्रिया थी, प्रोसीजर थे, उसके बारे में बताते हैं. इन द 6th century BC 16 बिग किंगडम्स नोन एज महाजनपद्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब 6th शताब्दी की बात करें तो 6th शताब्दी का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था उसमें 16 ऐसे बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, और उनकी कह सकते हैं कि जो वो बड़े बड़े जो किंगडम्स थे उनको इतने बड़े थे, इतने विशाल थे कि उनको नाम दिया गया था महाजनपदों का, और वो सारे के सारे एग्जिस्टेंस में आए, अस्तित्व में आए. तो 6th शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास 16 महाजनपदों का उदय हमारी इंडियन हिस्ट्री में, जिसको आज हम रीड कर रहे हैं. अमंग दी 16 महाजनपद वर मगध, कौशल, वत्स एंड अवंत.
ये इसमें जो चार हमारे महाजनपद हैं सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में काउंट होते थे, कौन कौन से थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंत। इसके बाद बाकी जो महाजनपद थे वो भी विशाल थे, लेकिन ये चारों जो महाजनपद थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, इनका जो राज्य था, साम्राज्य था, वो सबसे पावरफुल था। और मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य जो इसमें था वो सबसे ही ज़्यादा पावरफुल एक राज्य के रूप में, एक किंगडम के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके बाद फिफ्थ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो फिफ्थ सेंचुरी के आसपास जो पावरफुल जिन महाजनपदों की हम बात कर रहे हैं वो महाजनपद एक पावरफुल जो एम्पायर्स थे उसमें स्टैब्लिश होने शुरू हो गए, उसमें चेंज हो गए, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली, जिनको हम कह सकते हैं शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में वो आ गए। मगध वॉज द पावरफुल महाजनपद, सबसे महाजनपद जो सबसे पावरफुल था अगर हम उसकी बात करें तो वो कौन सा था? मगध जनपद था। There were several causes responsible for it. अब मगध महाजनपद जो था उसके पावरफुल बनने के, पावरफुल एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश होने के कारण बहुत सारे ऐसे रीजन थे, बहुत सारे ऐसे कारण थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसके फाउंडर की कि मगध साम्राज्य के फाउंडर कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इस साम्राज्य के, मगध साम्राज्य के फाउंडर थे। मौर्य वंश, उन्होंने सबसे पहले मगध साम्राज्य में जो पहला वंश इसने शासक किया, जो इसके फाउंडर बने, मौर्य वंश थे। से मौर्य वंश वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो वो मौर्य एम्पायर के या मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में उन्होंने मगध को कैप्चर किया और इसके ऊपर अपना जो साम्राज्य था वो स्टैब्लिश किया। ही फाउंडेड मौर्यन एम्पायर बाय द डिफीटिंग द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी महाजनपद। अब इससे पहले अगर हम बात करें तो इसके ऊपर रूल कौन कर रहा था कि जो मगध महाजनपद था उसके ऊपर रूल था नंद वंश का, नंद डायनेस्टी के महाजनपद जो था मगध उसके ऊपर रूल कर रहा था नंद वंश, और इसका जो लास्ट शासक था वो डिफीटेड किया गया, उसको हराया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसी प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद अगर हम बात करें मेगस्थनीज की कि मेगस्थनीज कौन थे, एक ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिका नामक बुक लिखी थी, तो मेगस्थनीज की जो रिटर्न बुक अगर बात आती है तो वो कौन सी थी? इंडिका। एंड कौटिल्याज अर्थशास्त्र, दोनों ही बुक्स और दोनों ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे इंपॉर्टेंट्स बनते हैं इसमें कि मेगस्थनीज की जो बुक थी वो कौन सी थी? इंडिका थी। और कौटिल्य की जो लिखी हुई बुक थी वो कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी। प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एम्पायर, हमें मौर्य एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मेनली इन दोनों ही बुक्स से हमें जो मौर्य साम्राज्य था उनके बारे में जानकारी मिली है। फर्स्ट कौटिल्य का अर्थशास्त्र था और साथ में मेगस्थनीज की इंडिका थी, ये दोनों ही बुक्स हमें मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी देती हैं। अब बात आती है मौर्य संस्थापक जो इसके थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनकी डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य हिज सन बिंदुसार बिकेम द नेक्स्ट रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 298 टू 272 BCE। अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद उनका जो बेटा था बिंदुसार नेक्स्ट जो इसका था रूलर बना और उसने रूल किया था 298 ईस्वी से लेकर 272 ईस्वी तक। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसके बहुत ही एक ग्रेट रूलर की, और वो कौन थे? अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट बिंदुसार के बाद बनने वाले इसके राजा थे। तो आज हमने इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बात की जिसमें कौशल, वत्स, अंग और मगध एम्पायर, ये सारे के सारे एम्पायर जो थे, जो महाजनपद थे वो सबसे पावरफुल थे। बाकी टोटल अगर महाजनपदों की बात आती है तो इन महाजनपदों में हम काउंट करते हैं 16 महाजनपदों की। और साथ में धीरे धीरे इन्होंने अपनी पावर को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया था, इतना ज़्यादा चेंज ले आए थे ये कि एक पावरफुल एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश हो गए थे। उसके बाद हम सबसे पावरफुल जो एम्पायर था मगध एम्पायर, उसके बारे में बात कर रहे थे कि इसके जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने नंद वंश के जो लास्ट रूलर थे उनको डिफीट किया था और उसके बाद उन्होंने मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था मगध महाजनपद में। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार जो उनके बेटे थे वो नेक्स्ट रूलर बने थे। बिंदुसार की डेथ के बाद अगर हम बात करें तो अशोका की। आई होप आपका जो चैप्टर है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।